दोस्तों कल से ही मैं एक दुविधा में हूं क्योंकि मेरे एक मित्र ने मुझे कल एक मेल किया है मेरे ऑफिशियल ईमेल आईडी पर और उसके साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने एक पोस्ट किया है, एक छोटा सा क्लिप भेजते हुए कि देखो भाई, आपने तो कल डार्लिंग प्रभास की फिल्म यानी कि सलार को लेकर ये बात कह दी है कि ये फिल्म उग्रम की ऑफिशियल रिमेक है, यानी कि भैया ये फिल्म उग्रम का रिमेक है। अब आपके सामने मैं एक प्रूफ रखता हूँ कि भाई किंग खान शाहरुख खान की आने वाली फिल्म डंकी भी भैया एक फिल्म का रिमेक है। मेरे पास इस बात का प्रमाण है और ये प्रमाण मैं आपको इस वीडियो क्लिप के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप इसे देखो और आपको डंकी के खिलाफ ये वीडियो बनाना पड़ेगा कि भाई डंकी एक रिमेक मूवी है। तो भाई मैंने अपने उस मित्र के उस पोस्ट को भी देखा, उस मेल को भी पढ़ा, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे शब्दों से मुझे नवाजा भी है। मैं उससे खफा नहीं हूँ, नाराज़ भी नहीं हूँ, वो काफ़ी स्वीट है, बहुत ही प्यारे हैं, छोटे हैं मुझसे उम्र में, तो मैं उनकी बातों को दरकिनार करते हुए उनको प्यार से ये बात समझाना चाहूँगा कि रीमेक किसको बोलते हैं और भाई सेम प्लॉट पर अगर कोई फिल्म बन रही हो तो क्या उसको हम रीमेक कह सकते हैं। क्योंकि भैया उन्होंने जो पोस्ट किया है मुझे वीडियो, उसको देखने के बाद मैं उनकी मतलब कि जो अवधारणा दिमाग में बनी हुई है कि भाई सेम प्लॉट पर अगर ये फिल्म बन रही है तो भाई ये फिल्म रिमेक हुई ना, तो भैया आप इसको रिमेक घोषित करो। तो मेरे उस मित्र ने क्या कहा है, चलिए पहले मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों उनका कहना ये है कि भाई एक पंजाबी मूवी आई थी जिसका नाम था आजा मैक्सिको चलिए। इस फिल्म में एमी विर्क जो थे वो मुख्य कलाकार के तौर पर नजर आए थे और इस फिल्म में भी डंकी वाले कॉन्सेप्ट को दिखाया गया था कि भैया किस तरह से पंजाब में ये खेल चल रहा है, डंकी वाले खेल के माध्यम से लोगों को माइग्रेट किया जा रहा है इलीगल तरीके से इंडिया से अलग अलग अब्रॉड कंट्रीज में। तो भाई इसी फिल्म को लेकर एक इंटरव्यू दिया था एमी विर्क ने एक यूट्यूब चैनल को और उस चैनल पर उन्होंने ये बात कही थी कि उनकी ये जो फिल्म बन रही है इस प्लॉट पर केवल एक ही फिल्म नहीं बन रही है, कई सारी फिल्में अलग अलग डायरेक्टर बना रहे हैं। उसमें से उन्होंने ये बात कही थी कि भैया शाहरुख खान की भी फिल्म एक आने वाली है जिसका नाम अभी तक फाइनल नहीं किया गया है, उस फिल्म का भी प्लॉट सेम है जिस पर ये लोग काम कर रहे हैं। तो भाई देखिए यहां पर मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि देखिए एक रियल इंसिडेंट पर अगर कोई फिल्म बनती है तो वो किसी के बाबूजी की बपौती नहीं होती है। अब आप लोगों को याद ही होगा कि भाई गांधी जी के ऊपर सबसे पहले फिल्म बनी थी हॉलीवुड में, तो भैया हॉलीवुड वाले ये तो नहीं कह सकते ना कि भैया ये हमारा कॉपी राइट है, आप इस पर फिल्म नहीं बना सकते हो, बापू पर हम लोगों ने फिल्म बना दी, अब इसके बाद इंडिया में कोई फिल्म नहीं बन सकती है। वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है जिस पर किसी का भी राइट नहीं होता। अगर आप महाभारत पर फिल्म बनाना चाहते हो, आप चाहे जितनी भी मूवी बना लो उस पर किसी का राइट नहीं है, रामायण पर आप चाहे जितनी भी फिल्म बना लो उस पर किसी का राइट नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं और भैया यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं, जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट होते हैं मेरे भाई, ओरिजिनल यानी कि भैया जिनका रियल घटनाओं से संबंध होता है। तो भाई डंकी जो कॉन्सेप्ट है वो एक रियल रियल स्टोरी है कि भैया ऐसी घटनाएं हो रही हैं हमारे इंडिया में। तो भाई अगर इस इंसिडेंट पर अगर कोई फिल्म बनाता है तो भैया इस पर किसी एक फिल्म राइटर का या फिर फिल्म मेकर का कब्जा नहीं हो सकता है, वो उस प्लॉट पर फिल्म बना सकता है, उसके अलावे भी और कई सारे डायरेक्टर जो हैं वो उस प्लॉट पर फिल्म बना सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब अजय देवगन की फिल्म भगत सिंह आई थी तो उस वक्त तीन भगत सिंह आई थी हम लोगों के सामने सिनेमाघरों में, एक में सनी देओल थे, एक में बॉबी देओल थे, एक में अजय देवगन थे और तीसरे वाला का मैं नाम भूल रहा हूं। तीन भगत सिंह पर बनी हुई फिल्में बैक टू बैक सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज हुई थी। तो भैया उस वक्त कैसे ये हुआ था, तो वो भी एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, उसको किसी ने लिखा नहीं है, वो एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित फिल्म है, सच्चे पात्रों के ऊपर आधारित फिल्म है। ऐसे फिल्मों को हम रिमेक नहीं कह सकते हैं दोस्त, नहीं कह सकते हैं। लेकिन उग्रम जो है वो एक काल्पनिक कहानी है और भाई एक काल्पनिक कहानी के ऊपर उसी आदमी का राइट होता है जो कि उस कहानी को लिखता है, क्योंकि वो उसका ऑनर होता है, जो उसका राइटर होता है। और भाई जिसने वो राइट खरीद कर वो मूवी बना ली तो भैया उसके ऊपर
उस राइट हासिल करने वाले इंसान का कब्जा हो जाता है। वो चाहे तो भैया उस राइट पर आगे भी फिल्में बनाए या फिर वो राइट बेचकर किसी और को दे दे ताकि वो उस पर फिल्में बनाए। आप लोगों ने देखा होगा कि भैया बॉलीवुड में ऐसी कई सारी फिल्में बनती हैं साउथ के ही कॉन्सेप्ट पर, तो भैया वो कैसे बनती है, उसके राइट्स खरीदने पड़ते हैं बॉलीवुड के मेकरों को, तो वो कोई रियल इवेंट वाले राइट्स नहीं होते हैं भैया, किसी एक राइटर की रचना होती है वो फिल्में, लेकिन भैया यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पर किसी का भी कब्जा नहीं होता है। तो भाई सलार को लेकर जो जानकारियां हम लोगों के सामने आई है वो जानकारियां यही है ना कि भैया ये फिल्म उग्रम का रीमेक है, और ये बात आज से नहीं हो रही है, ये बहुत पहले से हो रही है। और भाई इस बात पर पुख्ता मुहर किन लोगों ने लगाया, भाई इस फिल्म के मेकरों ने, जब उन्होंने उग्रम को OTT प्लेटफॉर्म से हटाया, यूट्यूब से हटाया, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूरी तरह से इरेज कर दिया, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर ये फिल्म किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहेगी तो जनता क्लिक करके ये बात कहेगी कि भाई ये फिल्म तो उस फिल्म की रीमेक है। क्यों रीमेक है, तो भाई उग्रम का कोई राइटर है, ये किसी की रचना थी, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं थे मेरे भाई। इसी वजह से मैं डुंकी के खिलाफ फेक न्यूज कैसे फैला दूं कि भाई डुंकी एक रिमेक मूवी है। एमी विर्क की जो मूवी थी भाई वो भी डुंकी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थी। उसके अलावे उस इंटरव्यू में एमी विर्क ने भी ये बात कही थी कि भैया इसके अलावे भी इस कॉन्सेप्ट पर कई सारे राइटर डायरेक्टर काम कर रहे हैं, कई सारे फिल्म मेकर फिल्म बना रहे हैं। तो भाई एमी विर्क ने ये काम क्यों किया जब उनको ये बात पता था कि भैया इस पर ऑलरेडी और कई सारी फिल्में बन रही हैं। अब भाई देखिए, हो सकता है एमी विर्क की उस फिल्म यानी कि भैया आजा मैक्सिको चलिए कि कई सारे सीक्वेंस जो है वो मिलते जुलते दिखे भाई डुंकी में। तो भाई कॉन्सेप्ट वही है ना, घटनाएं वैसी हुई है ना, उसी तरह से ना इस खेल को खेला जा रहा है। तो भाई जिस तरह से इस खेल को खेला जा रहा है उसी तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाएगा ना, तो भैया बहुत सारे सीक्वेंस मिल सकते हैं मेरे भाई। अब अगर रामायण के ऊपर में फिल्म बन रही है, महाभारत के ऊपर फिल्म बन रही है, तो भैया पात्रों को तो नहीं बदला जा सकता है ना। जो घटनाएं बताई गई हैं रामायण में, महाभारत में, या फिर भैया किसी लेजेंड के ऊपर अगर कोई फिल्म बन रही है, तो भाई उस लेजेंड के द्वारा किए गए कारनामों की जानकारी उसी तरीके से रखी जाएगी ना जैसा कि भैया उन्होंने किया था, वो काल्पनिक तरीके से तो नहीं रखी जा सकती है। तो भैया यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पर किसी का भी कब्जा नहीं होता है, ये बात जान लो मेरे मित्र। इसी वजह से मैं डुंकी को लेकर ये फेक खबर नहीं फैला सकता हूँ आपके इस एक इंटरव्यू वाले क्लिप की वजह से कि भैया देखो एमी विर्क ने ये बात कही है कि भाई इस कॉन्सेप्ट पर एक फिल्म बन रही है जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं राजकुमार हिरानी और उसमें नजर आने वाले शाहरुख खान। तो भाई सच्ची घटना के ऊपर आधारित है ना फिल्म, तो भैया सच्ची घटना के ऊपर किसी का भी राइट नहीं होता है। हाँ राइट होता है, कुछ लोगों का राइट होता है। यहां पर भी मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई अगर किसी सच्ची घटना के ऊपर आधारित फिल्म पर आप काम कर रहे हैं और किसी एक पात्र को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि उस घटना में आप किसी इंसान के बारे में जिक्र कर रहे हो और उस इंसान का कोई जीवित सदस्य अभी वर्तमान में है मेरे भाई, तो वो ये क्लेम कर सकते हैं कि आप हमारे घर के सदस्य के ऊपर फिल्म कैसे बना सकते हो, आपने क्या इस बात का परमिशन लिया था कि हम आपके घर के सदस्य के ऊपर में फिल्म बनाना चाहते हैं, उनकी जीवनी को लाना चाहते हैं, यानी भैया आपको वहां पर परमिशन लेना पड़ता है कि आप उनके घर के सदस्य के ऊपर में फिल्म बनाने जा रहे हो। क्यों ये परमिशन लेना पड़ता है, तो इसका कारण ये होता है कि आप उस फिल्म में जो भी चीज दिखाओगे उससे उस इंसान की छवि पर कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, ठेस नहीं पहुंचेगी, और आप उनकी कहानी को सच्चे तरीके से जनता के सामने रखोगे, इस बात की गारंटी आपको उस परिवार के सदस्य को लोगों को देना पड़ता है मेरे भाई, तब जाकर आप किसी की जीवनी को अपनी फिल्मों के माध्यम से सिनेमा घरों में दिखा सकते हो। तो भैया डुंकी को हम लोग रिमेक नहीं बोल सकते हैं, ये बात आप ध्यान में रख लो, ये तो भैया प्रमाण हमें देना पड़ेगा कि भैया किस फिल्म से ये फिल्म कॉपी हुई है, फेक खबरें फैला नहीं सकता दोस्त। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।